चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने इंदिरा गृह ज्योति के नाम बदलने पर कहा कि गरीब को सस्ती से सस्ती बिजली मिल सके इसकी व्यवस्था की गई है। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि दिग्विजय के समय बिजली नहीं थी, जहां बिजली कंपनियों ने बेड़ा गर्क कर दिया था, जिसका खामियाजा आज तक जनता को भुगतना पड़ रहा है। आइए आपको बताते हैं मंत्री सारंग ने और क्या कुछ कहा। देखिए, हमारी सरकार ने बिजली भी उपलब्ध कराई है और गरीब को सस्ती से सस्ती बिजली मिल सके इसकी भी व्यवस्था की है, और संबल योजना के तहत या बाकी योजनाओं के तहत भी गरीब के घर में उजाला आ जाए और गरीब सस्ती बिजली ले सके इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। और यह हमारी सरकार है जो करोड़ों रुपए की सब्सिडी जनता को मुहैया कराती है। आपने वो सरकारें भी देखी हैं जब दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो बिजली उपलब्ध नहीं थी। हमने बिजली की सुचारू व्यवस्था तो की ही, पर उसके साथ साथ गरीब के घर में सस्ती बिजली पहुंच सके इसकी भी व्यवस्था हमने की है। 15 महीने की कांग्रेस की सरकार ने बिजली कंपनियों का बेड़ा गर्क कर दिया। भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई कमलनाथ की सरकार के टारगेट पे था कि बिजली कंपनियों से करोड़ों रुपए का वो भ्रष्टाचार करे, और उसी का परिणाम निकला कि बिजली कंपनियों की हालत खराब हुई। हमने वापस उनको स्ट्रेंथन किया है।